भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो आप यार, रावण का फेस, ये सबसे बड़ा वाला रावण होता है जो परेड में जलता है। और यहाँ पे देखो ये नाक है, देखो अभी नाक के ऊपर लेयरिंग चढ़ रही है, ये चिपका रही है, देखो लेवी से है ना सी गाइस, देखो ये देखो भाई चिपका रही आँख, ये रावण की बन गई आँख, ये चिपका रही। ऐसे करते करते भाई पूरा रावण बनाते हैं, ये पूरा मुकुट वगैरह बन गया रावण का, ये फेस। और यहाँ पे भी मेकिंग चल रही है, देखो ये अंदर का स्ट्रक्चर रावण का, देखो भाई पूरा अंदर से देखो कितना सही लग रहा है, अलग अंदर बंदा भी घुस जाए, इतना बड़ा है ये। इसके बीच में रावण के अंदर छड़े बम बम लगेंगे, पूरा फेस का ढांचा है, अभी फेस के ढांचे के ऊपर जो है पेपर लगाया जा रहा है। ये देखो ये चल रही है हमारे जम्मू में दशहरे की तैयारी, देख सकते हो कितने अमाउंट में यहाँ पे रावण बनाए जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, होप आप सब बच्चे होंगे। तो सबसे पहले आपको जय सियाराम, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में ना हम फिलहाल आए हैं जम्मू के परेड एरिया में, और अभी हम आ चुके हैं गीता भवन में। और गीता भवन में इसलिए आए क्योंकि अभी 12 अक्टूबर को आ रहा है दशहरा, और दशहरे में हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी मनाई जाती है। तो इसलिए हम आए हैं आज गीता भवन में, और गीता भवन में बनते हैं हमारे जम्मू में बहुत सारे रावण, सारे जितने भी जम्मू के रावण है ना सारे यहीं पे बनते हैं गीता भवन में। तो आओ अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि रावण जो है वो कैसी मेकिंग हो रही है। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको पूरा बताएंगे यार रावण कैसे बना रहे हैं वो। तो आओ गाइस आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो ये है रास्ते यहाँ से नीचे जाने का, और आओ चले। अभी हम आ गए हैं, एंटर कर लिया हमने गीता भवन में जहाँ पे जम्मू के सारे रावण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रावण की फिलहाल तो अभी यहाँ मुंडियाँ वगैरह बन चुकी हैं, अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, ठीक है। 12 तारीख को जो है दशहरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे और पार्ट्स बन रहे हैं, और यहाँ पे जो है भैया अभी लेवी से चिपका रहे हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर जो है कार्डबोर्ड वाली शीट चढ़ा रहे हैं ताकि फेस जो है रावण का पूरा जो है अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से मजबूत हो जाए। ये देखो यहाँ पे लेवी लग रही है, लेवी की देखो कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे लेवी लगाई जा रही है, ठीक है। ये देखो ताकि रावण का जो फेस का ढांचा है वो जो है मजबूत हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और भैया ये लंका बना रहे हो, ये लंका बन रही है ना, ये लंका बन रही है। ये देखो बाँस की सिलाई करते हैं, सबसे पहले ये बाँस पड़े हैं, फिर बाँस की सिलाई होकर यहाँ पे लंका बन रही है, और वहाँ पे लंका के और पार्ट्स हैं, ठीक है। लंका के कारीगर अलग होते हैं वैसे। यहाँ पे देखो ये रावण का ढांचा बन रहा है, और ठीक है यहाँ पे देखो कितने मतलब ये देखा ही मैंने यार, इधर चलते हैं। ओ भाई ये देखो ऐसे लग रहा है वो चंद्रयान के पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे सही में। ये देखो कितने सारे रावण का पेट है, ऊपर पार्ट है, ठीक है। अंकल एक रावण को बनने में कितना टाइम लग जाता है? एक महीना लग जाता है। अच्छा तो आप कब से लगे यहाँ पे, कितने देर हुए काम करते हो आपको यहाँ पे? 10 सितंबर से लगे हो, ठीक है। तो ये 10 सितंबर से यहाँ पे लगे हैं, और अब जाके जो है इतना कुछ यहाँ पे बनाया है इन्होंने, अभी अंदर भी इसके अंदर भी है बड़े सारा कुछ बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगे हुए हैं कारीगर, देखो ये भैया रस्सी से चिपका रहे हैं इसको। ये क्या चीज़ बन रही भैया, रावण का कौन सा पार्ट है ये? है लहंगा। अच्छा ये लहंगा बन रहा है रावण का, लहंगा चोली सब बनता है भाई, ये देखो लहंगा चोली, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और भी बन रहा है भाई, देखो कितने मतलब कारीगरी से जो है पूरा बनाया जाता है एक रावण, मतलब इसको जलाते हैं ना तो 2 सेकंड में पूरा रावण ख़त्म एकदम में जल जाता है, ठीक है। पर इसको बनाने में बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्यों चाचू है ना, बड़ी मेहनत लगती है ना, है ना। तो ये देख सकते हो, और यहाँ पे देखो ये टांगे बन रही है, पता नहीं क्या बन रहा है ये देखो। अभी हम चलते हैं अंदर, अंदर भी बड़े सारे इन्होंने बना के रखे, अंदर है बड़े वाले रावण, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे रावण बना रहे हैं ना अभी, ये देखो जो यहाँ पे बन रहे हैं छोटे हैं, अंदर बड़े बड़े हैं भाई, अंदर बड़े बड़े पड़े हैं। आओ अंदर चलते हैं, आ जाओ भाई, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो आप यार, रावण का फेस, ये सबसे बड़ा वाला रावण होता है जो परेड में जलता है, मतलब जम्मू का सबसे बड़ा रावण कहाँ होता है वो परेड में जलता है भाई। ये देखो कितनी बड़ी हाइट है यार इसकी, ये अभी इसके बाद पेंट होगा, बस देखो ये पूरा वाइट है, इसके बाद पेंट करेंगे ये फिर बाद में। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई सारे लगे, अंदर भी कारीगर लगे हैं। अंकल ये क्या बना रहे हो, रावण की मूंछ बना रहे हो? रावण की मूंछ बना रहे हैं गाइस, देखो कितने ज़्यादा कारीगरी से बना रहे हैं अंकल, देखो मतलब देखने में भी अच्छा लगे ऐसा बना रहे हैं भाई, ठीक है। सारे लगे हुए हैं, इनकी मेहनत है भाई। और यहाँ पे आओ भाई साहब, ये देखो देख रहे हो रावण के पार्ट्स के बीच में कितना बड़ा, एक बार देखोगा ये सबसे बड़े वाले रावण का होगा, ये कितना बड़ा एक बार देखो, मेन रावण होगा ये जो परेड में चलता है ना, सबसे बड़ा रावण यही चलता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये सारे पार्ट्स है रावण के, बाकी आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े बन रहे हैं भाई, कम से कम ना 80 से 100 फुट के बीच में रावण यहाँ बनता होगा। बाकी कारीगरों से भी बातचीत करते हैं अभी, ठीक है। आओ
तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं रावण की मूछ बन रही है यहाँ पे, ये डंडिया जो है ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएंगी ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक मूछ बन जाएगी, जैसे मेरी मूछ है ना, ये देखो जैसे मेरी मूछ है ना ऐसे करके वैसे रावण की बन रही है, जैसे ये मूछ बना रहे हैं, ये मूछ बनी हुई ना यहाँ पे, वैसे मूछ अंकल यहाँ पे बना रहे हैं, देखो रस्सी से जोड़ जोड़ के, वो कारीगरी का काम कर रहे हैं अंकल बड़ा। अंकल कितने साल से रावण बना रहे हो आप? 20 साल से। 20 साल से जम्मू में या फिर और कहीं भी बनाते हो? हाँ, नहीं जम्मू में, खाली जम्मू में बनाते हो? ठीक है, तो ये अंकल जो है 20 साल से बना रहे हैं भाई, बड़े पुराने पुराने बंदे होते हैं जो रावण बनाते हैं, ऐसे थोड़ी रावण बन जाते हैं भाई, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे पीछे भी आओ थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई रावणों के बीच में आ गया मैं पूरा। आ जाओ देखो भाई, वही कैमरा मैन में गुम हो गया। आप भी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं भैया, क्या बना रहे हो? ये रावण का गर्दन बना रहे हो? गर्दन इतनी बड़ी भाई साहब, ये खाली गर्दन है, तो सोचो रावण कितना बड़ा होगा यार, ये 10 फुट की गर्दन है खाली, ये देखो ये भी गर्दन होगी शायद, ये सारा स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। भाई ये क्या बना रहे हो? रावण की मुंडी बना रहे हो? अच्छा, ये सबसे बड़ा रावण है ना, सबसे बड़ा परेड का रावण बना रहे हो आप? अच्छा, तो भैया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया यहाँ पे परेड का रावण बनाने के लिए। और भाई ये देखो, ये मुंडी है खाली यार, गोकुल इसके साथ खड़े होना एक मिनट, देखो भाई कितनी बड़ी मुंडी है, मूछ भी देखो केडी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी मूछ है खाली एक। ठीक है, तो यहाँ पे और भी है, यहाँ पे उससे इससे थोड़े छोटे रावण इधर बन रहे हैं, ठीक है, अभी इनके वो बड़ा काम होगा यार, वो फर्स्ट स्टेज का रावण जो होता है ना वो बनाते हैं कुछ ऐसा, बांस को पहले स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो है लेवी से कार्डबोर्ड चिपकाते हैं, फिर कार्डबोर्ड के ऊपर वाइट कपड़ा, ये वाइट पेपर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको पेंट कर लिया जाता है, ठीक है, तो इतना बन गया हुआ है, बाकी बाहर और बन रहे हैं। तो यहाँ पे अंकल जो है लगे हुए हैं तीला सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीला सिलाई हो रही है। अंकल ये तीला सिल के आप क्या बना रहे हो? ये फेस बन, सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद ग्यासुद्दीन। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब कब से रावण बना रहे हो? काफी टाइम हो गया भैया। काफी टाइम हो गया, मतलब कितने ईयर से बना रहे हो? ये 27 ईयर हो गया। 27 सालों से रावण बना रहे हो, और खाली जम्मू के बनाते हो या बाहर के भी रावण बनाते हो? सभी जगह के बनते हैं, सभी जगह के बनाते हो आप? ठीक है, हमें तो यहाँ पे भैया जो है अंकल जो है यहाँ पे छिलाई कर रहे हैं बांस की, इस छिलाई करके क्या बनाओगे इस बांस का? इसके रिंग बनने हैं। रिंग मतलब किस चीज का रिंग बनाओगे, कौन सा पार्ट बना रहे हो? इसमें पार्ट्स जो है ये इसका जो बनने जा रहा है, जो हनुमान गदा होती है ये रावण वाली गदा है, कुंभकर्ण के हाथ में दो या, अच्छा वो जो होता है शस्त्र होता है हाथ में, उन्होंने पकड़ा गोल सा, यहाँ पे देख सकते हो कितने अमाउंट में अंकल ने बना भी दिए हैं, ये देखो देखो। और अंकल एक चीज बताना, सबसे बड़ा रावण जम्मू में कहाँ जलता है? परेड ग्राउंड। परेड मेरे सामने यहाँ पे ग्राउंड ना, वहाँ भी लेके जाएंगे अभी आपको, परेड ग्राउंड का रावण जो है सबसे बड़ा रावण होता है हमारे जम्मू में, और वहीं का व्लॉग जो है मैं आपको दूंगा 12 अक्टूबर को जब है हमारे जम्मू में दशहरा। वहाँ पे जो है ये डब्बा टाइप बना रहे हैं भैया, ठीक है, बांस की कटिंग कर करके है, और इतनी मेहनत है ना गाइज, आपको क्या बताऊँ यार, इनकी मेहनत को हैट्स ऑफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आगे डब्बे वाले ये मुंडी बना रहे हैं शायद, भैया बोल रहे हैं यहाँ पे फेस बना रहे हैं इसका, ठीक है, रावण का। तो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे लेयरिंग का काम देखो यार कैसा चल रहा है, मज़ा आ रहा देखने का। मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो ब्लॉग बना के भाई शाम तक यहीं बैठूंगा और देखूंगा इनको ये रावण कैसे बनाते हैं यार, मतलब यूनिटी में काम चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये चाचू उठा रहे हैं इसको, लेकर जा रहे हैं वहाँ पे, देखो ये देखो ये ले गए, ये पैर बना रहे हो अंकल, रावण का पैर है ये, पैर बन रहा है रावण का, ये रावण का फेस है, ठीक है, ये पूरा रावण का फेस है, इसके अंदर दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर फिट होते हैं बम्ब, देखो दिखाता हूँ, ये देखो ये अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है इनके साथ ये बम्ब लगा देते हैं भाई, देखो कितना बड़ा फेस है यार रावण का, ये तो ये मुकुट आ गया ऊपर वाला, ये अंदर अंदर से देखो कैसा दिखता है भाई, कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये सिस्टम, इसके अंदर बम्ब वगैरह लगाते हैं, ठीक है, इसके अंदर बम्ब वगैरह लगाते हैं। ये आ गई रावण की बालियाँ भाई, बालियाँ चेक करो यार, मुछे देखो यार कितनी तगड़ी मुछे है नी, ये कितना सही है नी भाई साहब, ये देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये रावण का पेट होगा पक्का, ये सारे रावण के पेट हैं बड़े बड़े, सबसे बड़ा रावण है भाई। फिर आपको बता दूँ ना रावण के, आप मतलब ऐसा लगेगा कि वो हट है यार सही में, इतना बड़ा है ना, ये देखो ये अंदर का स्ट्रक्चर रावण का, देखो भाई पूरा अंदर से देखो कितना सही लग रहा है, अरे अंदर बंदा भी घुस जाए इतना बड़ा है ये, इसके बीच में रावण के अंदर सड़े बम लगेंगे, इसके अंदर बम फिट करेंगे, बट तब करते हैं जब रावण जो है ग्राउंड में लेके जाते हैं जलाने के लिए, उसी दिन जो है रावण में बम फिट होते हैं। ये देखो कितना लेवी लगा लगा के इसमें पूरा तैयार किया है, इसको पूरा सुरंग बना दिया अंदर, ये चिपका दिया भाई,
चिपक गया भाई, चिपक गया। अंकल पेंटिंग वगैरह का काम कब चलेगा इसका, शुरू होगा? 8 दिन बाद। 8 दिन के बाद पेंटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, 8 दिन के बाद इसका। ये बड़ा चिपका रहे फेस, तैयारी चल रही है गाइज। आप आज की वीडियो में आपने देख लिया ना कि हमारे जम्मू में दशहरे की कैसी तैयारी चल रही है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है? आपको मैंने बताया ना जहाँ रावण बनते हैं वो सामने है, वहाँ बनते हैं रावण, और उसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे जो है एक ग्राउंड है, परेड ग्राउंड हमारे जम्मू का, और यहाँ पे जो है रावण जलता है। यहाँ पे लगते हैं तीनों पुतले, यहाँ पे जलता है रावण, ठीक है? और अगर आपको पासिस की बात करें तो आपको थोड़ी और बता दूं कि पासिस जो है डीसी ऑफिस से बनते हैं, मुझे मैंने कभी बनवाए नहीं, ऐसे मैंने सुना है कि डीसी ऑफिस से जो है पासिस बनते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए पासिस होते हैं, वीआईपी साइड होती है, यहाँ पे रेलिंग लगती है पूरी, ठीक है? यहीं पे मनाया जाता है जम्मू में। सबसे बड़ा दशहरा अगर आपने देखना है तो वो परेड ग्राउंड में ही बनता है गाइस, ठीक है? बहुत बड़ा रावण होता है, 100 फुट का तो आराम से होता है, ठीक है? तो ये रावण यहाँ पे है, ठीक है? ये आपको मैंने बता दिया। तो आप आ जा, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना गाइस, ठीक है? और अभी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा ये दशहरे के रावण के लिए, ठीक है? रावण बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसमें सारा कुछ लगाते हुए भी व्लॉग बनाएंगे भाई, पूरा बनाएंगे, ठीक है? आपको मज़ा आता है देखने का, तो फिर हमें क्या एतराज़ है वीडियो ना बनाने का, ठीक है? तो अब हम बनाते रहेंगे आपको, फिलहाल अभी चलते हैं घर वापस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।